मुंगेर में इंस्टाग्राम पर धार्मिक उन्माद भड़काने वाला पोस्ट डालने वाली महिला गिरफ्तार। डीएसपी ने लोगों से की अपील, सोशल मीडिया पे किसी के धार्मिक भावनाओं को आहित करने वाला पोस्ट ना डाले, नहीं तो वैसे लोगों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। दरअसल मुंगेर में इंस्टाग्राम पर धार्मिक उन्माद भड़काने वाला पोस्ट डालने वाली 23 वर्षीय महिला को कासिमयार थाना की पुलिस ने मंसरी तल्ले से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि कासिमयार थाना अंतर्गत मंसरी तल्ले हतराजगंज निवासी युक्त महिला ने इंस्टाग्राम पर धार्मिक उन्माद भड़काने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट होने पर यह काफ़ी तेजी से वायरल हुआ और इसका विरोध हुआ था। मामला सामने आने पर 27 फरवरी को साइबर थाना के थाना अध्यक्ष और ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने वाली महिला की पहचान करते हुए इंस्टाग्राम से वीडियो को डिलीट करवाया था। हालांकि उस दिन महिला ने भूलभाल इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने की बात कही थी। इस संबंध में साइबर थाना में साइबर थाना अध्यक्ष के आवेदन पर धार्मिक उन्माद भड़काने के आरोप में केस दर्ज हुआ था, जिसके अनुसंधानकर्ता कासिमयार थाना अध्यक्ष को बनाया गया था। कासिमयार थाना अध्यक्ष ने रविवार को धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो पोस्ट करने वाली 23 वर्षीय महिला को हतराजगंज मकसदपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में साइबर थाना के थाना अध्यक्ष और ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन ने बताया कि पोस्ट काफ़ी वायरल हो चुका था, जिससे धार्मिक उन्माद फैलने की उम्मीद थी, जिस कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बताया और लोगों से अपील किया कि लोग सोशल मीडिया पर किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला पोस्ट ना डालें, नहीं तो वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उस मामले में अभी जो है अभियुक्त वो आयुक्त उसको गिरफ्तार कर चुके हैं और न्यायिक हिरासत में आज कोर्ट में के पेश करने की बात थी। सर मामला क्या था? मामला ये था कि एक उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, दूसरे नाम से है, उनके वो ओरिजिनल नाम से नहीं है। उस पर उन्होंने कुछ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट कर दी थी और उस पर बिहार पुलिस को सूचना मिली और फिर हम लोग को इस पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सूचना मिली। हम लोगों ने उसे आइडेंटिफाई किया और उस पर कार्रवाई चल रही है। सर माफ़ी मांगने से, चूँकि ये वीडियो जो उनका था वो डाउनलोड हो गया, उसमें डाउनलोड का ऑप्शन था और वो काफ़ी बिहार से बाहर भी यूपी से भी टैग किया जा रहा था और टैग करके, तो इससे मामला सेंसिटिव हो गया था, क्योंकि उनके फॉलोअर भी काफ़ी संख्या में हैं, लगभग 80,000 के आसपास हैं, तो उनकी रीच बहुत ज़्यादा थी। समय क्या कहें, मैं बस लोगों से यही अपील करूंगा कि हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है और अपनी आस्था को बरकरार रखते हुए दूसरे धर्म की जो आस्था है उसे भी चोट न पहुंचाएं और इससे समाज में अशांति फैलती है, अमन चैन खत्म होता है। अमन चैन के लिए धार्मिक भावना को इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू। वेलकम।